अपराधी तत्व हैं जो पूरे गांव को जो है सो नशा बेच करके, नशा का सेवन करके पूरे गांव को जो है सो भयभीत किए हुए हैं। यहाँ के लोग जो है सो भयभीत हैं, आतंक का जो है सो माहौल, घर घर में पिस्तौल है। अगर प्रशासन घर घर का जो है सो अगर इंक्वायरी करे, हाँ, एक एक पिस्तौल जो है हमारे गांव में कम से कम 1000 पिस्तौल निकलेगा बंदूक में। तो क्या यहाँ अपराधी इस तरह की बराबर बराबर घटना किया है, करता है, करेगा? ये जो लोग बता रहे हैं जो घर घर में हथियार है, इसमें क्या मना है? आदमी छिपा सड़ा है, नहीं है सो बात। पुलिस यहाँ पे रात में भी लेट से आई है और अभी भी आई थिंक उन्होंने कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया है। उन्होंने रात में क्या करा है, FIR का क्या स्टेटस है, हमें कुछ भी हम लोग को आइडिया नहीं है। वो लोग एक तो लेट आते हैं, यहाँ पे 1 किलोमीटर दूर होने के बाद भी वो 1 घंटे में आ रहे हैं पुलिस। अब पुलिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है यहाँ पे। आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं रविंद्र कुमार। हम आज हैं मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड के जजुआर मध्य गांव में, जहाँ पर अपराधियों के आतंक से लोग सहमे हुए हैं, भयभीत हैं, दहशत में हैं। यहाँ पर बार बार अपराधी गोलियों की तत्तराहट से लोगों को डराते रहते हैं, लेकिन पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं करती है। यहाँ तक कि यहाँ के जो चौकीदार हैं सरोज पासवान, उनके भाई को भी गोली मार दी गई। सरोज पासवान का कहना था जब मुझे अपराधी गोली मारने गया था लेकिन हम बच गए, मेरे भाई को गोली मार दिया। वैसे भी कटरा क्षेत्र पहले से अपराधियों का गढ़ माना जाता है, यहाँ शराब बिक्री को लेकर भी लोग तबाह हैं, शराबियों से तबाह हैं। इसी बीच कल रात निवासी हेमचंद ठाकुर जी जो 60 साल के हैं, उनके घर में 7-8 की संख्या में अपराधी पहुंचे, उनके दोनों पुत्र और पत्नी को घर से सड़क पर घींच करके गोली मार दी। गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका गूंजता रहा, लेकिन 1.5 घंटे बाद पुलिस आई। सूचना के 1.5 घंटे बाद पुलिस आई। पुलिस के प्रति लोगों में इतना गुस्सा है जो लोग आज एक मीटिंग तय करना जा रहे हैं कि यदि इस अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम लोग जैसे पुलिस थाना का घेराव करेंगे। रात भी जब पुलिस यहां आई घटना की सूचना के बाद तो पुलिस का यहां लोगों ने विरोध किया और लोग पुलिस कार्रवाई से बहुत ही असंतुष्ट हैं। लोगों का यह कहना है कि यहाँ घर घर में अवैध हथियार है, लेकिन पुलिस जानते हुए भी कुछ नहीं करी है। पुलिस के संरक्षण में, लोगों के अनुसार पुलिस के संरक्षण में अपराधी फल फूल रहा है और पुलिस इसमें मुखदर्शक की भूमिका में है, या पुलिस और कुछ अपराधियों से लाभ उठाना चाहती है जिसके कारण पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आपको हम पहले दिखाते हैं हेमचंद ठाकुर जी के साथ जो घटना घटी, उनके परिवार के साथ जो घटना घटी, उसमें किस तरह से सड़कों पर खून का धब्बा जैसे पड़ा हुआ है। घर से बाहर तक खून का धब्बा देखने से आपको लगेगा कि किस बेदर्दी के तरह, बेरहमी के तरह अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पूरे परिवार के साथ हेमचंद ठाकुर घर में खाना खा रहे थे, इसी बीच रात को करीब 10-10:30 बजे 7-8 की संख्या में अपराधी आए और घर से घींच करके पूरे परिवार के महिला सहित 2 भाई और पिता को गोली मार दी। सभी अस्पताल में भर्ती हैं, घर पर कोई नहीं है। अगल बगल उनके पास पड़ोस के लोग यहाँ देखने आए हैं, घर में ताला तक नहीं लगा हुआ है। ऐसी स्थिति आई जो घर में ताला तक नहीं लगा हुआ है, घर खोल करके लोग चले गए, खाना खा रहे थे, उसे थाली भी उसी तरह से पड़ा हुआ है। अब यहाँ हम आपको यह बताना चाहते हैं जो लोग किस तरह से अपराधियों के भय से आतंकित है और पुलिस की जो कार्रवाई है उसे लोगों में आक्रोश है। हमारे पास एक बुजुर्ग खड़ा है, क्या नाम हुआ सर? कृष्ण कुमार ठाकुर जी हैं, मैं इनसे बात करता हूं कि किस तरह से घटना के बारे में और भी यहां की जो परिस्थिति है, पुलिस से कितने लोग खुश हैं, नाखुश हैं, उसके बारे में इनसे मैं जानना चाहता हूँ। कुछ अपराधी तत्व हैं जो पूरे गाँव को जो है सो नशा बेच करके, नशा का सेवन करके पूरे गांव को जो है सो भयभीत किए हुए हैं और बारंबार जो है सो चौक चौराहे पर बंदूक का जो है सो गोली से दिखलाते हैं, जिसका ज्वलंत उदाहरण एक हेमचंद ठाकुर हैं
और इससे पूर्व जो है सो चौकीदार के यहाँ घटना घटी। अब इससे ज़्यादा जो है सो प्रशासन आए, प्रशासन को सब कहा गया, प्रशासन के फ़ोन करने के लगता है 45-1 घंटा के बाद जो है सो प्रशासन यहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद जो है सो अपना छानबीन किए हैं, छानबीन करने के बाद जो है सो अब क्या हुआ नहीं हुआ है, उस चारों इंजरी में से 3 ठो जो है सो मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल में भर्ती है, 1 ठो मुजफ्फरपुर जो है सो रेफर कर दिया है पटना। हाँ पटना चला गया, जिनकी स्थिति ज़्यादा गंभीर है, हाँ जिसके कारण वो पटना चला गया। हाँ यहाँ के लोग जो है सो भयभीत हैं, आतंक का जो है सो माहौल, घर घर में पिस्तौल है। अगर प्रशासन घर घर का जो है सो अगर इंक्वायरी करे, हाँ एक एक पिस्तौल जो है हमारे गांव में कम से कम 1000 पिस्तौल निकलेगा, बंदूक निकलेगा। तो आपने सुना किस तरह से इनका कहना है कि घर घर में पिस्तौल, अगर पुलिस ईमानदारी से काम करे, छापेमारी करे, तो 1000 से अधिक अवैध पिस्तौल यहाँ से बरामद किया जा सकता है और लोगों को शांति मिल सकती है, अपराधी जो है से सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों का कहना है कि पुलिस ऐसा कुछ नहीं कर रही है, यहाँ तक कि जो चौकीदार पुलिस का एक अंग है उसके भाई को गोली मारी गई, उसके बावजूद भी पुलिस उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। और इसमें क्या आपको बताना? अब सब बात तो कहिए दिए। हाँ अब तो ये लोग लड़का लोग जो हैं और आदमी सब कहेंगे। हाँ हम इतना ही कहेंगे उसको न्याय मिले, गरीब आदमी है। हाँ और गरीब का अगर साथ जो है सो मीडिया अगर न दे, प्रशासन न दे, तो आखिर उसका जीवन कैसा रहेगा? ऐसी परिस्थिति में उसको न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। जी हाँ। और गांव के जो लोग आतंकित है, जिनको भय है, जो अपराधियों से सहमे हुए रहते हैं, बार बार गोलियां चलाई जाती है, उसके बावजूद भी नहीं कोई कार्रवाई होती, इसके लिए गांव के लोग क्या कुछ सोच रहे हैं? इसीलिए जो है सो यहाँ गांव के लोग जो है सो 4 बजे बड़ी पोखरा में जो है सो एक मीटिंग जो है सो ग्रामीण स्तर पर जो है सो बुलाने जा रहे हैं। उसमें जो है सो एक निर्णय होगा जो इस भयभीत में जो है सो हम लोग जीवन किस तरह से काटे, कैसे जीवन बितावे, इसका जो है सो हम लोग एक समुचित जो है सो निर्णय लेंगे। उस निर्णय के आधार पर प्रशासन को विज्ञापन देंगे, विज्ञापन देने के बाद जो होगा सो देखा जाएगा। मारिए देगा तो मरिए जाएंगे, क्या करेंगे? अब बंदूक हमारे पास नहीं ना है ना, उसका प्रतिकार कर सकते हैं। प्रशासन हमको आदेश दे जो तुम लोग भी बंदूक खरीदो, हम लोग भी बंदूक खरीदेंगे, उसका मुकाबला करेंगे, यही कर सकते हैं, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो देखिए किस तरह से लोगों में गुस्सा भड़कता जा रहा है, किस तरह से लोग आक्रोशित हैं। एक बुजुर्ग लोग में इतना गुस्सा है, आखिर यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, युवा लोग भय के कारण कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं, उन्हें भय है कि यदि मैं मीडिया के सामने आया और पुलिस की कार्रवाई के बारे में कुछ बोला तो मुझे ही फंसा दिया जाएगा, मुझ पर कार्रवाई हो जाएगी, हम अपराधियों के निशाना बन जाएंगे। तो यहाँ इस दहशत में लोग जी रहे हैं। एक और बुजुर्ग हमारे पास है, क्या शुभनाम हुआ? हमको तो अभी मालूम हुआ है, लेकिन गलत आदमी को जो विरोध लोग करता है, कुछ डिस्टर्ब जो करता है नाच में, तमाशा में, कि रास्ता में, बाद में भय से लोग कुछ बोलता नहीं, पीछे बोलता है, सामने में नहीं बोलता है। उचित बात बोलने के माने समाज को सुरक्षा में जो बोलता है उसी में सब घर में घुस कर चार आदमी घर कर। क्या यहाँ अपराधी इस तरह की बराबर बराबर घटना किया है, करता है, करेगा? ये जो लोग बता रहे हैं जो घर घर में हथियार है, इसमें क्या मना है? आदमी छिप पर सड़ा है, नहीं है सो बात नहीं, यहाँ अपराधियों का जमावड़ा है, अपराधियों का जो विरोध हुआ इसी में ही बात हुआ है। इसमें जो पुलिसिया कार्रवाई है, चाहे जो घटना घटी है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? पुलिस यहाँ पे रात में भी लेट से आई है और अभी भी आई थिंक उन्होंने कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया है। उन्होंने रात में क्या करा है, FIR का क्या स्टेटस है, हमें कुछ भी हम लोग को आइडिया नहीं है। वो लोग एक तो लेट आते हैं, यहाँ पे 1 किलोमीटर दूर होने के बाद भी वो 1 घंटे में आ रहे हैं पुलिस। अच्छा। अब पुलिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है यहाँ पे, पुलिस पर ऐसी मतलब इस पुलिस, तरह का पुलिस पे भरोसा में हाँ, पुलिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। जी नहीं, पुलिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस घटना का कारण आपको क्या लगता है? घटना का अभी दुर्गा पूजा हुआ था तो वहाँ पे अब बच्चे हैं, बच्चे दुर्गा पूजा में एक दूसरे से वैसे लड़ते रहते हैं, तो उनके बीच में कुछ हुआ होगा दुर्गा पूजा में, उसके चक्कर में उन्होंने आके पूरे फैमिली के ऊपर गोली चलाई है।
और इसके बाद और भी कोई रीजन नहीं है। ऐसी भी चर्चा है कि जो पूजा के भसान के दौरान, मतलब जो पूजा समाप्ति के दौरान ऑर्केस्ट्रा पार्टी में कुछ बैठने को लेकर के आपस में विरोध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप घर में आकर के गोली मार दिया। हाँ, वही है, वही रीजन वही है कि वहाँ ऑर्केस्ट्रा देखने में बच्चे, सब बच्चे ही हैं, उन्होंने एक दूसरे के बैठने के चक्कर में हुआ वहाँ पे, अच्छा नाचने के चक्कर में स्टेज, वो लोग स्टेज पे शायद चल रहे थे जो अपराधी थे, तो इन लोगों ने रोका उनको, वो अपराधियों को स्टेज पर चढ़ने से, मतलब हाँ, जो गलत करने से रोका, तो उसका परिणाम, हाँ उनका उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने घर पे आके पूरे फैमिली को गोली मार दी। और यहाँ पे अपराध तो इतना है कि कुछ बता नहीं सकते हैं, चरम सीमा पे अपराध हैं, जो लगभग घर घर में, मतलब जो भले लोग हैं वो कहाँ रखेंगे, लगभग घर घर में, मतलब अवैध रूप से लोग हथियार रख रहे हैं, जब बंद होता है फायरिंग करते हैं, किसी किसी को आप, हाँ जान यहाँ पे इतनी सस्ती है कि आप जब चाहो किसी को गोली मार सकते हो, ना तो कोई देखने वाला है, ना कोई प्रशासन है, ना कोई कोई कुछ नहीं यहाँ पे करते हैं। तो आखिर पुलिस तो सुरक्षा के लिए, पुलिस से तो कुछ उम्मीद होगी लोगों को? उम्मीद है, पर वो लग नहीं रहा है कि वो अपने उम्मीद पे कायम होंगे, क्योंकि रात से जो उनका रवैया है वो कुछ भी नहीं है। पहले हम लोग सुरक्षित थे, थाना जजवार में जिस रोड से बना है उस रोड से और असुरक्षित हो गए हैं। कहे तो डायरेक्ट जो है सो उससे संपर्क में है, अपराधी डायरेक्ट थाना से संपर्क, थाना के संपर्क में है। अब सुनिए कैसे एक बुजुर्ग लोग अपने आक्रोश में बता रहे हैं कि अपराधी किस तरह से थाना के संपर्क में है, जिससे उनका मनोबल बढ़ा है और वो लगातार इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। जब थाना से पहले हम लोग सुरक्षित थे, अच्छा। वो लोग अपराधी उधर अपना अपराध करता था, लेकिन थाना बनने के बाद पूरा लंगा नाच जो है सुगाव में कर रहा है, यही स्थिति है, ये स्थिति है। अब हमारे पास कई युवा भी खड़े हैं, इनसे भी कुछ जानना चाह रहे हैं, भय में तो है ही, लेकिन फिर भी लगता है हिम्मत जुटा करके कुछ बोलना चाह रहे हैं। ग्रामीण दहशत में है और ग्रामीण थाना प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है, और रात 11 बजे की घटना है, अभी तक कोई कुछ नहीं हो पा रहा है। और भी यहाँ हमारे बीच कुछ महिलाएं हैं जो घटना के बाद तुरंत पहुंची हैं, और वो लोग क्या बताती हैं हम आपको बताना चाह रहे हैं। जी, फायरिंग के बाद हम सब घर से निकले, यहाँ बाप बाप चिल्ला रहते थे सड़क पर, वहाँ पर सूता हुआ था, घर से सड़क पर घींच करके गोली, हाँ अच्छा। वहाँ पर से हम घर से निकले हैं, तो हम कहे रे क्या मारल को, रे क्या मारल को, हम हल्ला करके अच्छा। तावत लोग सब जुटा, अच्छा अच्छा, तो भाग भाग गए तरीके से। ये चश्मदीद गवाह के रूप में भी है, किस तरह से गोली मारते देखे हैं, गोली की आवाज पर आए हैं और सड़क आवाज पर आए हैं, मारते नहीं देखे, छटपटा आवाज छटपटा पर आए हैं और सड़क पर छटपटा रहे हैं, खून बहते देखे, हाँ बच्चा के रहे हमारे और पुतौ सब रहे से सब। तो फिर इन लोगों को जैसे अस्पताल, कैसे अस्पताल ले जाया गया? अरे गाड़ी बोलवाए तो ले जाए, गाड़ी बुलवा के हाँ। आदमी को अस्पताल भेजा गया, तो भेजते नहीं तो क्या करते? आप इसमें क्या मतलब जानते हैं, क्या बताना चाहते हैं? हम लोग के तो, हमरा सब के तो भेल जे कथी के हल्ला भेल है, तो हम सब जन घर से निकललौं तो तीन आदमी रहे मार का, एक आदमी पाछा दू आदमी आगा, गाड़ी लगेने हमरा घर लग लिए हुआ था, हाथ में न ऐसे नहीं देखलिए रोड पर, हम अपना बरामदा पर रही, अच्छा अच्छा, ओ आगा गेल है आ पाछा से ई मार के बुझाइए आ ओ गाड़ी पर बैसल है आ दक्षिण मुहे भगलै गाड़ी ल क, हम सब तहन एत एलौं तो लेडीज ई मोटरसाइकिल रहे, हाँ ई वाला ई रहे, ओहि पर तीन आदमी रहे, वो छन घड़ी में दक्षिण मुहे भाग गेल है, तहन हम सब एत एलौं तो लेडीज पड़ल, हम उठेलौं ओकरा बाँह पकड़ि कऽ माथ में तेल रगड़लौं, तैयो ओ लेट जाए में लागल। हाँ। एक अन्य बुजुर्ग महिला है, उनसे भी हम बात करते हैं, वो क्या बताना चाहती हैं? वही हम लोग के घर है कनी से आगा, तो ये हल्ला सब हो रहा था, तो तीनों आदमी पड़ा था जना खसी के पास, तीनों आदमी खसी के तरह जैसे रोड पर खून बह रहा था, तब हम लोग देखे पहले गाड़ी इसका ले जाओ जो पहले इलाज करा, तब अब बाद में शुरू में क्या हुआ सोचा है हम लोग नहीं देखी, हमारा घर आगा है 10 मिनट इससे पहले, लेकिन देखे तो तखने इनका गाड़ी पर लाद पर छटपटाते देखे, सबके छटपटाते देखे, खून बह रहा था, हाँ यहाँ देखिए ना खून बह रहा है,
लेकिन इसमें यही देखे लेडीज यहाँ पर पड़ा था, जेंट्स यहाँ पर कभी नहीं देखा ऐसा जो हुआ। की नाम है अपन? ख्याली ठाकुर। कितना उम्र है अपन? मैं 79 बरस। हाँ, घटना के बारे में क्या जानते हैं? हमारा घर बगल में यही यही घर है। हम पूछते हैं भाई काहे लगा मारेंगे, क्या करेगा? सामने घर है? हाँ, अच्छा, मारेंगे, गोली चला दिया तब भागे यहाँ से। मार कर भागा, चार गो गोली से मार दिया सब। हाँ, तो आप लोग पहुँचे यहाँ? हाँ, बार खून से लटपट कर रहा था तब गाड़ी एगो भाग गया तब भेजे मेडिकल। अच्छा, मेडिकल जाकर इलाज किया तो एगो रेफर कर दिया पटना लक्ष्मण ठाकुर को। अच्छा, और हुआ जो लोग कह रहे हैं जो यहाँ काफी संख्या में अपराधी हैं। हाँ, काफी घर में लोग रखे हुए हैं, बहुत कम है। हाँ, बहुत कम है आदमी है जो हथियार नहीं है, बहुत को हथियार है, बगले बढ़ रहा है हथियार। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस को यह पता नहीं है कि घर घर में हथियार है? हथियार सब घर घर खोजे तब न मिलेगा, तो जंगल बीन देता है, कोई कहीं बीन देता है, कभी कहीं बीन देता है। पुलिस हथियार नहीं खोजती? नहीं खोजता है। हथियार बरामद करने का प्रयास नहीं करता? नहीं, वो अपना काम करते हैं, चले जाते हैं। अच्छा, पुलिस के यहाँ पर इधर नहीं है, उधर से सब गुंडा हैं, वही सिखाता है, पुलिस के मुंह भर देता है, अब पुलिस पैसा लेके घसक जाता है। गुंडा के कहने पर पुलिस काम करती है? हाँ हाँ, करते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपने सुना जो किस तरह से पुलिस के विरुद्ध लोगों में आक्रोश है, किस तरह से लोग खुल करके पुलिस के विरुद्ध जैसे बोल रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस के संरक्षण में यहाँ अपराधी फल फूल रहा है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो आप इसी तरह खबर आगे भी खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार। यदि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।